अरिजित शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरु। भले ही मैं डायलॉग उतने अच्छे से ना बोल पाई हूँ, लेकिन आई एम श्योर आप पहचान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी की। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हेलो हाय नमस्कार, थोड़ा बोरिंग हो गया था तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करते हैं। जनरली मैं अपने स्टूडियो से शूट करती हूँ और आप वीडियोज देखते हैं, लेकिन आज मैं हूँ हमारे ऑफिस के मेकअप रूम में। गंगूबाई के कई सारे लुक्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक लुक रिक्रिएट करते हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि अगर आप वो लुक अडॉप्ट करना चाहते हैं या वो लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो आज हमारे साथ हमारे ऑफिस के बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट हैं। हमारे साथ हैं कपिल, जो मेरा मेकअप करेंगे और मुझे गंगूबाई बनाने की कोशिश करेंगे, और गायत्री भी हमारे साथ होंगी जो मेरे हेयर करेंगी और वो रिक्रिएशन में वो मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कपिल। हाय कपिल। हाय गरिमा। मुझे ना आज गंगूबाई का ये वाला लुक चाहिए। ठीक। वाओ गरिमा, ये वाला लुक मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने आलिया भट्ट को इस अवतार में देखा था। आई वाज इंप्रेस कि आलिया भट्ट कैन पुल ऑफ दिस। उनके ऊपर इतना अच्छा लग रहा था, लाइक फॉर फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना बोल्ड लिप कलर कैरी करा है अपने ऊपर, और इतनी अच्छी ब्राउज और इतना अच्छा लाइनर कैरी करा है, जस्ट टू मेक इट इंडियन। ठीक है, शुरू करें। आप एक्साइटेड हैं? अरे एक्सट्रीमली एक्साइटेड। चलिए मैं भी तैयार हूँ, शुरू करते हैं। चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे स्प्रे के साथ। आंखें बंद करिए अपनी। अब हमारा मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर, ताकि हमारा मेकअप ग्लोई रहे और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो मुझे स्किन पे मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से लगाना पसंद है, ताकि स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, है ना, और हमारी स्किन पे ड्राई पैचेस ना पड़े। सो हमेशा मॉइस्चराइज करते समय आप याद रखें, हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, बहुत प्यार से मसाज करते मॉइस्चराइजर लगाना है। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा, गंगूबाई उन्होंने बहुत सॉफ्ट आई मेकअप कैरी करा है, तो सिंगल आई शैडो से हमारा काम हो जाएगा। कभी ज्यादा टफ क्या है, ग्लैम लुक देना या किसी को एक नेचुरल नो मेकअप मेकअप लुक देना? किसी पे एक नो मेकअप मेकअप नेचुरल लुक देना, ग्लैम लुक कोई भी क्रिएट कर लेता है, पर किसी की स्किन में बिल्कुल मर्ज होता हो मेकअप जो कि ना दिखे, होते हुए भी ना हो, वो करना बहुत मुश्किल होता है। हम आपकी ब्राउज करेंगे, हमारे आईज पे जो करना था सिंगल आई शैडो हमने वो कर दिया है। ठीक है, हम आपकी आईब्रोज को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जो मेन फीचर है इस लुक का, आईब्रोज का बहुत बड़ा पार्ट है। तो जहाँ पे आप आपके आईब्रोज पे गैप है सिर्फ वही फिल करेंगे, ज़्यादा कलर फिल नहीं करेंगे, आप डिफरेंस ऑल भी देख सकते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो गंगूबाई के लुक में पुनीत जी ने ऊपर भी काजल लगाया है, जो कि उसमें नहीं दिख रहा है, तो आप अगर ढंग से देखोगे ज़ूम करके आपको वो उसी में दिखेगा। दैट्स अ सीक्रेट। यस। तो हम एक काजल कहाँ लगाने वाले हैं? नीचे नहीं, ऊपर। चलिए हम नीचे काजल थोड़ी देर बाद लगाएंगे, हम जल्दी से आपकी क्विकली स्किन पैप कर देते हैं। हल्का सा कलर करेक्टर। फेस पे कलर डिफरेंस है, अगर हम उसे कलर करेक्शन कर देंगे तो हमारे फेस पे उसके बाद फाउंडेशन और कंसीलर की बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो कलर करेक्टर के कलर्स होते हैं, ये हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग होते हैं या कोई भी आप यूज कर सकते हैं? इसमें मैं देख रही हूँ ग्रीन है, ऑरेंज है। हाँ जी, ऑरेंज है, येलो है। ठीक है, सो बेसिकली हर प्रॉब्लम के लिए अलग होता है। अगर आपके फेस पे कोई डार्क ब्राउन प्रॉब्लम है तो आप ऑरेंज यूज करोगे, अगर आपके फेस पे कोई रेड प्रॉब्लम है जैसे कि रेड एक्नेस हो रखे हैं, कोई रेडनेस है फेस पर, रोजेशिया है, तो उसके लिए आप ग्रीन यूज करोगे। आपका फेस हल्का सा डल हो रहा है, पर्पल हो रहा है, आप जैसे वेन्स दिखती हैं, तो आप हल्का सा येलो यूज करोगे हल्का सा ब्राइट करने के लिए। हम बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन लेंगे। सो आप देख सकते हैं फाउंडेशन आपके पूरे फेस पे लगा दिया है, एक्सेप्ट द अंडर आईज। मैंने अंडर आईज के पास बहुत कम फाउंडेशन लगाया है और बिल्कुल आईज के पास नहीं गया हूँ, क्योंकि कलर करेक्शन करा है वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अंडर आईज में नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत जल्दी क्रीज पड़ जाती है, हमारा बहुत जल्दी मेकअप क्रीज आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अंडर आईज फाउंडेशन स्किप करके, क्योंकि मुझे कंसीलर यूज़ करना ही है ब्राइट करने के लिए, तो मैं कंसीलर के साथ प्ले करता हूँ।
ठीक है, हमारा हमारा फेस इवन हो चुका है, ठीक है, हमारा फेस जो होता है ना कैनवास को बराबर कर दिया है, हम इस पर आर्टिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके कॉन्टोरिंग और डी कॉन्टोरिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, आपके अंडर आइज को हाईलाइट करेंगे ताकि आपके अंडर आइज पॉप करके आए, और जब हम काजल लगाएंगे उसके ऊपर तो हमारा काजल भी अलग से दिखे। हमारा फेस अब इवन हो चुका है और प्लस हमारा टी जोन जो है वो ब्राइट हो चुका है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द फार। तो मैं क्या करता हूँ, लाइक बहुत लाइक नेचुरल बेस है ना, बहुत नेचुरल बेस के लिए प्लस एक नेचुरल ब्लश के लिए मैं क्या करता हूँ, जब अपना ब्लश है पाउडर से पहले लगा देता हूँ। मैं आपके फेस को सेट कर दूंगा पाउडर से। बहुत काम किया, अगर आपका काजल स्टे नहीं करता है तो उसके ऊपर ब्लैक आईशैडो लगा लीजिए। हमारा आधा ज्यादा लुक हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम आपको जल्दी से मस्कारा लगाएंगे आपका आईज के ऊपर। उससे पहले हम क्या करेंगे, लैशेस को कर्ल करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम क्या करेंगे, हम हल्की सी कॉन्टूरिंग करेंगे फेस को हल्का सा स्कर्फ देने के लिए, ठीक है। आप अगर फोटो को भी देखोगे तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टूर नहीं करा गया है, बहुत सॉफ्ट कॉन्टूर रखा गया है, एज इफ आपने मेकअप अपने आप करा है एंड यू गोइंग आउट, ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टूर करेंगे, इसलिए मैं आपका क्रीम कॉन्टूर भी नहीं करा, ठीक है। हम सिर्फ पाउडर कॉन्टूर करेंगे और वो भी बहुत नेचुरली। छोटा ब्रश लेके अपने नोज को कंट्रोल करेंगे ताकि मेरी नोज शार्प लगे। तो हमारा लास्ट स्टेप बचा है मेकअप का, यस। एंड यू आर रेडी, आपका मेकअप हो चुका है, आपका सिर्फ हेयर बचा है। थैंक यू। एंड अब हम बोलेंगे कपिल को थैंक यू और बुलाएंगे गायत्री को, क्योंकि अब फाइनल लुक वही देने वाली। बाय कपिल। हाय गायत्री। हाय गरिमा, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं? मैं बढ़िया, बस आज हम गंगूबाई लुक अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपको एक बार हेयर स्टाइल दिखा देती हूँ। ओके, तो हम ये हेयर स्टाइल डन, नाइस। कैसे अचीव करेंगे इसे? हम हेयरडो स्टार्ट करेंगे, ज़्यादातर हेयर ड्रेसर यानी बेसिक नहीं बताते, सीधा हेयर स्टाइल करते हैं। तो हम मैं यहाँ पर बताऊँगी आपको बेसिक। हम बालों में पहले क्रिम्पिंग करेंगे जिससे हल्का सा बाउंस आएगा और हेयर स्टाइल करने में वो इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले बालों में लगा रही हूँ हीट प्रोटेक्शन, जिससे कि बाल बर्न ना हो, जले ना, ठीक रहें। हमें ये बहुत लाइट करनी होती है, अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये दिखेगी, जो कि हेयर स्टाइल यानी अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत नकली लगते हैं। और इसे हम बहुत लाइट करेंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा और ये शो भी नहीं होगी। यहाँ हमारी क्रिम्पिंग ख़त्म, और आप देख भी सकते हैं क्रिम्पिंग से काफ़ी डिफरेंस आ गया, बालों में बाउंस आ जाता है, बॉडी आ जाती है अच्छी सी। अब करेंगे हम मिड पार्टिंग। अब ये हमारी कर्ली मशीन है, जो उनका क्राउन पे हेयर स्टाइल है वो हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो हम करेंगे पहले कर्ल्स, कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। हम इतनी पास लेकर आते हैं ये गरम रॉड कि स्कैल्प के पास होता है, तो ध्यान रखना होता है कि बस वो लगे ना और फेस एकदम से मूव ना करें। और ये हमारी इनविजिबल पिन है, जैसे ये साइड थोड़ा ऊंचा है, ये साइड ठीक है सेट, तो इसे सेट करने के लिए हम इसको ऐसे लॉक करेंगे।
यह है क्लीन ब्रश, इस पर हम स्प्रे करेंगे और जो ये फोरहेड पे छोटे छोटे हेयर हैं इसको हम क्लीन करेंगे। फ्रंट हमारा रेडी है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके और राउंड करके इसी को थोड़ा सा बाउंसी करके हमारा हेयर डू डन। हमारी गरिमा बनी गंगूबाई, तो हेयर स्टाइल हमारा रेडी है। तो आपको हमारा ये गंगूबाई का रिक्रिएशनल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बाय बाय।